प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्र के सभी सपनों को साकार करने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास चाहिए। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी तीसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियां शामिल हुई। और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 54,58,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की विकास यात्रा में हमें केवल अमृत महोत्सव मनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें सुनिश्चित करना होगा कि भारत के 100वें स्वाधीनता दिवस पर हम अपने तय लक्ष्यों को प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि हमारा एक ऐसे राष्ट्र के विकास का लक्ष्य है जहां न केवल विश्व स्तरीय मूल सुविधाएं हो, बल्कि जो न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के मंत्र के साथ आगे बढ़े। कल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि हमें देश के 100वें स्वाधीनता दिवस पर आत्मनिर्भर भारत बनाने का लक्ष्य प्राप्त करना होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के सभी स्वप्नों को साकार करने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास चाहिए। हम अभी से जुड़ जाना है। हमारे पास गंवाने के लिए एक पल भी नहीं है। यही समय है, सही समय है। हमारे देश को भी बदलना होगा और हमें एक नागरिक के नाते अपने आप को भी बदलना ही होगा। बदलते हुए युग के अनुकूल हमें भी अपने आप को ढालना होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी श्रद्धा के साथ हम सब जुट चुके हैं। लेकिन आज लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, पेंशन योजना, आवास योजना जैसे कार्यक्रमों से देश के प्रत्येक नागरिक के साथ जुड़ना होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी संकल्प तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक उसके साथ कठोर परिश्रम और साहस शामिल न हो। श्री मोदी ने कहा कि अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें कठिन परिश्रम और पूरी शक्ति के साथ काम करना होगा। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि देश की परिवर्तनकारी योजनाओं से देश का हर एक नागरिक जुड़ सके। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि जल जीवन मिशन के 2 वर्षों के भीतर ही 4.5 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से जल मिलने लगा है। देश के अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम नागरिक को लाभ पहुंचाने वाली यह योजना प्रमुख उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पोषण पर सरकार का विशेष ध्यान है। सरकार रोगों की रोकथाम तथा स्वास्थ्य की खुशहाली की बुनियादी सुविधाओं के लिए काम कर रही है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी तीसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। वर्ष 2018 में आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रीय राजधानी में आज सवेरे अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक सदैव अटल पर जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एक ट्वीट में कहा कि अटल जी एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ, उत्कृष्ट वक्ता, सक्षम साहित्यकार और कुशल सांसद थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा में समर्पित कर दिया। राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान हमेशा आदर और सम्मान के साथ याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी के आत्मीय व्यक्तित्व, मधुर और हंसमुख स्वभाव, हाजिर जवाबी और राष्ट्र की प्रगति में उनके योगदान का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगे। 25 दिसंबर 1924 में ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी का सार्वजनिक जीवन और देश के विकास में योगदान हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री के रूप में उनके शासनकाल में पोखरण परमाणु परीक्षण तथा विवेकशील आर्थिक नीतियों ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में सतत विकास की नींव रखी और बड़े पैमाने पर बुनियादी सुविधाओं की परियोजनाएं शुरू की गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियां शामिल हुई। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। समारोह में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, सांसद सुनील सोनी के अलावा रायपुर के विधायक, विभिन्न निगम मंडलों के अध्यक्ष और सदस्य, मुख्य सचिव, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, एम्स रायपुर के निदेशक डॉक्टर नितिन नागरकर के साथ ही प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की कमला बहन उपस्थित थी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 54,58,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 17,43,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। कोविड से रिकवरी दर अब 97.48% है। कल लगभग 36,000 रोगी संक्रमण से ठीक हुए। अब तक 3,14,00,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 32,937 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 417 रोगियों की मौत हुई। इधर छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त को 17,530 लोगों की कोविड जांच की गई, जिसमें से केवल 49 मरीज पॉजिटिव पाए गए। प्रदेश में कोरोना की औसत पॉजिटिविटी दर 0.2% पहुंच गई है। प्रदेश में कोविड रोधी टीकाकरण भी जारी है। कल तक की स्थिति में प्रदेश में 1,33,97,000 से अधिक लोगों को कोविड की वैक्सीन दी जा चुकी है। भारत सरकार द्वारा कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू की गई डिजिटल इंडिया मुहिम का छत्तीसगढ़ में भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। लोग अब नकद भुगतान के बजाय डिजिटल भुगतान प्रणाली को अपनाने लगे हैं। इससे न सिर्फ आम लोगों को फायदा हो रहा है, बल्कि छोटे कारोबारियों के लिए भी यह लाभकारी साबित हो रही है। भुगतान के लिए लोग मोबाइल ऐप, स्वाइप मशीन आदि माध्यमों का सहारा ले रहे हैं। इससे कारोबारियों को अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चलाने में मदद मिल रही है। इसके साथ ही पेट्रोल पंप में भी लोग डिजिटल भुगतान करते हुए देखे जा सकते हैं। लोगों का कहना है कि उनके लिए डिजिटली तरीके से भुगतान करना बहुत आसान है। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए ई रूपी योजना का भी स्वागत किया। और ये जो डिजिटल पेमेंट का है, ये बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है। पैसे वगैरह रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और आजकल ये कोरोना काल और जो तीसरा वेव की बात चल रही है, इसमें अति आवश्यक हो गया। ये सब रखना सुविधा है और ये संक्रमण फैलने का ये बहुत अच्छा माध्यम है कि संक्रमण इससे नहीं फैलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोग यूज़ करेंगे तो अपने लिए और देश के लिए अच्छा ही है। एक व्यवसायी ने बताया कि डिजिटल भुगतान की वजह से अब उनके लिए व्यवसाय करना आसान हो गया है। मेरे छोटा सा कारोबार है चाय नाश्ते का, जो कि सुपौला में स्थित है। और डिजिटल पेमेंट से आजकल कस्टमर के साथ से हमें बहुत सुविधा हो गई है। ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देना पड़ता है, अपना पेमेंट करते हैं और स्पीकर से हमको सुनाई दे देते हैं और हमारा काम बन जाता है। वहीं भिलाई के एक पेट्रोल पंप प्रभारी मुश्ताक अली का कहना है कि प्रतिदिन उनके पेट्रोल पंप में लाखों रुपए का डिजिटल तरीके से भुगतान होता है, जिसकी वजह से अब बैंकों में उन्हें नकदी के रूप में ज्यादा रकम ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
जो अभी डिजिटल का जमाना चल रहा है उसमें जो हमारे पास कस्टमर है, क्योंकि मेरा पेट्रोल पंप हाई सेलर है दुर्ग जिले का, तो डिजिटल में हमारे यहाँ कम से कम जो मतलब 24 आवर्स में कम से कम 8 से 9 लाख रुपए का पर डे डिजिटल हो रहा है। उसमें क्या है कि हमको कैश ले जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती बैंक में। पहले क्या होता था कि हम 18 लाख 22 लाख रुपए कैश पर डे ले जाते थे, तो अभी वो कैश हमारा जो है आपका डेली का जो है 7 लाख 8 लाख रुपए कैश में आ गया, और कम से कम 6 से 8 लाख रुपया पर डे का हमारा जो डिजिटल के माध्यम से मतलब जो सीधा अपना बैंक खाते में चले जा रहा है। तो इससे एक पब्लिक के लिए भी काफी अच्छा है। इसके अलावा लोगों ने नेट बैंकिंग को लेकर भी अपने विचार व्यक्त किए। उनके अनुसार नेट बैंकिंग की वजह से अब विभिन्न तरह के बिलों का भुगतान करना उनके लिए आसान हो गया है, साथ ही बार बार बैंक जाने की परेशानियों से भी छुटकारा मिला है। लोगों ने कहा कि ई रूपी योजना का भी आने वाले समय में लोगों को पूरा लाभ मिलेगा। जैसे कि कोरोना का पीरियड है जिसमें हमें बहुत सारे बिल भुगतान करने थे, बिजली बिल भुगतान करना था या मेडिकल बिल भुगतान करना था, उसमें हमें अब तो बैंक तो बंद रहते थे, तो ये क्या है जो डिजिटल बैंकिंग है, ये नेट बैंकिंग है, ये 24 घंटे सातों दिन हमारे पास उपलब्ध होता है, जिससे कि हम इसमें कभी भी किसी को भी पैसे का लेन देन कर सकते हैं, बिजली बिल भुगतान कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा और सुविधाजनक साबित हुआ है हमारे लिए। गौरतलब है कि डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं जनता तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राजधानी का गोल बाजार एक ऐतिहासिक धरोहर ही नहीं बल्कि पूरे रायपुर शहर की महत्वपूर्ण पहचान है। इस अमूल्य धरोहर को सहेज कर रखा जाएगा और इसके मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए सर्व सुविधाओं के साथ नए रूप में विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कल गोल बाजार पहुंचकर व्यापारियों से चर्चा की। इस दौरान श्री बघेल ने कहा कि गोल बाजार में कारोबार करने वाले व्यापारियों को उनकी जमीन तथा उनकी दुकान का मालिकाना हक दिए जाने के संबंध में आवश्यक प्रावधान रखा गया। शासन द्वारा ये जमीन नगर पालिका निगम के नाम कर दी गई है। इस संबंध में कलेक्टर की देखरेख में आगे की कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि शासन की यह एक महत्वपूर्ण पहल है, ऐसा कभी सुना नहीं गया और न ही कभी देखा गया कि किसी बाजार की भूमि को शासन ने उस बाजार को चलाने वाले व्यापारियों को सौंपने का निर्णय लिया हो। गौरतलब है कि रायपुर का गोल बाजार लगभग 125 साल पुराना है। यह बाजार करीब 3.5 एकड़ में फैला हुआ है। बाजार के बारे में एक पुरानी कहावत, जो न मिले कहीं वो सब मिले यहीं, यह भी कहा जाता है कि इस बाजार में एक व्यक्ति के जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक का सारा सामान उपलब्ध है। माओवाद प्रभावित बीजापुर जिले में 3 लाख रुपए के इनामी एक माओवादी ने रविवार को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। बीजापुर के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप के मुताबिक मंगल कुंजम उर्फ उधम सिंह ने माओवादी विचारधारा से तंग आकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस अधीक्षक के अनुसार कुंजम माओवादियों के भामरगढ़ प्लाटून नंबर 7 का सेक्शन कमांडर था और बीजापुर गढ़चिरौली सीमा पर सक्रिय था। वह गढ़चिरौली हमले सहित कई नक्सली घटनाओं में भी शामिल था। श्री कश्यप ने कहा कि माओवादी के आत्मसमर्पण के बाद उसे शासन की नीतियों के तहत 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों के अनुसार उसका पुनर्वास किया जाएगा। सावन माह के अंतिम सोमवार को आज शिव मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा। गरियाबंद जिले के मरौदा गांव में प्राकृतिक शिवलिंग भूतेश्वर महादेव में आज बड़ी संख्या में कांवरिये महादेव का जलाभिषेक करने पहुंचे। बलौदा बाजार, भाटापारा, महासमुंद, धमतरी, मगरलोड, मैनपुर, देवभोग से शिवभक्त कांवरिये दूर दूर से नदियों का जल और दूध लेकर यहाँ पहुंचे और भगवान शिव को दूध और जल से स्नान कराकर मन्नत मांगी। मरौदा गांव में घने जंगलों के बीच स्थित इस शिवलिंग के बारे में मान्यता है कि यह स्वयंभू है और इसकी लंबाई लगातार बढ़ती जा रही है। इस शिवलिंग को लेकर अनेक लोक कथाएं और किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। यहां के निवासी इसे आम बोलचाल में भकुरा महादेव भी कहते हैं। सावन महीने और शिवरात्रि में यहाँ भक्तों का हुजूम लगा रहता है। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD News पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा।
YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं और इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।